लखनऊ में सीएमएस के प्रबंधक जगदीश गांधी, उनकी पत्नी भारती गांधी, राजाजीपुरम स्कूल प्रबंधक के खिलाफ तालकटोरा थाने में केस दर्ज हुआ है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव पांडे ने केस दर्ज करवाया है। सीएमएस पर स्कूल फीस के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है और स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया। तो लखनऊ में सीएमएस के प्रबंधक जगदीश गांधी, उनकी पत्नी भारती गांधी, राजाजीपुरम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तालकटोरा थाने में केस दर्ज हुआ है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव पांडे ने यह केस दर्ज करवाया है। दरअसल आरोप है कि सीएमएस पर स्कूल फीस के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और इसी के बाबत उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया। तो स्कूल फीस के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, तालकटोरा थाने में केस दर्ज किया गया है। तो सीएमएस के प्रबंधक जगदीश गांधी, उनकी पत्नी भारती गांधी, राजाजीपुरम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तालकटोरा थाने में केस दर्ज हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को हालांकि निराधार बताया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तो स्कूल फीस के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। हालांकि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार रहा है स्कूल प्रबंधन। उसका कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन सीएमएस के प्रबंधक जगदीश गांधी, उनकी पत्नी भारती गांधी, राजाजीपुरम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तालकटोरा थाने में ये केस दर्ज हो चुका है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव पांडे ने यह केस दर्ज करवाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन तो कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि स्कूल प्रबंधन से मैंने लगातार बात करने का प्रयास किया। हालांकि जो उनके स्कूल प्रबंधन के जो तमाम लीगल प्रोसीजर्स को देखते हैं, उनसे मेरी बात ही, उनका साफ तौर पर कहना कि इस पूरे मामले में लीगल राय ली जा रही है कि किस तरीके से रिएक्शन देना है या आगे क्या प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो तमाम आरोप लगाए हैं, जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ है, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है, और खासतौर से स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जानबूझ करके और साजिश के तहत ये पूरा मामला दर्ज कराया गया ताकि स्कूल की बदनामी हो। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा है। ऑफ द कैमरा जरूर वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कैमरा बात करने की बात पे वो मुकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार इस पूरे मामले में राय ली जा रही है, उसके बाद जैसा प्रबंधन कहेगा उस तरीके से फिर अपना बयान वो लोग जारी करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात अगर सीएमएस स्कूल की करें तो खासतौर से लखनऊ में तकरीबन 55,000 से ज्यादा कैपेसिटी है इस स्कूल का। बच्चे जो है इतने ज्यादा यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में पढ़ने का काम करते हैं, उसमें इस तरीके का मामला आना अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि किस तरीके से बिहेवियर मैनेजमेंट है, किस तरीके से बिहेवियर स्कूल। क्या कभी और इस तरीके की कोई शिकायत सामने आ पाई है क्या पवन? देखिए, अगर बात करें सीएमएस की तो पहले बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके सामने आते रहे अलग अलग ब्रांच को लेकर के, लेकिन ये मामला थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, विवेचना चल रही है। हालांकि जो सीएमएस प्रबंधन है, उसके जो ओनर है, जो फाउंडर है, वो इस समय मेदांता हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। मेरी बात हुई जो उनके पूरे बेरर है ऑफिस के उन लोगों से, तो उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अभी राय ली जा रही है मैनेजमेंट से, उसके बाद इस पूरे मामले पे बयान जारी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन सिंह इस जानकारी के लिए।